मिट्टी लदे ट्रैक्टर से दो बच्चों की हुई मौत, मामला पश्चिम शरीरा के निभिया का। गांव वालों ने घंटे भर रोड पर लगाया जाम। गांव वालों की मांग है कि ब्रेकर लगवाया जाए। पूर्व प्रधान पवन मिश्रा ने जिला प्रशासन से की मांग, एक घंटे स्कूल टाइम में भारी वाहन रोका जाए। कौशाम्बी पश्चिम शरीरा के निभिया मोड़ पर हुआ बड़ा हादसा। पश्चिम शरीरा की तरफ से मिट्टी से लदा ट्रैक्टर गढ़ी की तरफ जा रहा था। निभिया मोड़ के पास विक्की से तीन लड़के आ रहे थे। अचानक ट्रैक्टर के नीचे आने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची घायल हो गई। गांव वालों को सूचना मिली तो गांव वालों ने जाम लगा दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद भी घंटों जाम लगा रहा। वहीं गांव वालों की मांग थी कि कार्रवाई की जाए और ब्रेकर भी लगाए जाए। वहीं पूर्व प्रधान पवन मिश्रा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक घड़ी से पुनवार तक भारी वाहनों को रोका जाए, जिससे स्कूली बच्चों को आने जाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और इन समस्याओं से बचा जा सके। वहीं गांव के लोगों ने कहा कि कौशाम्बी जिले में सड़क हादसे के पीछे अवैध तरीके से चलने वाले ट्रैक्टर में लगी ट्रालियां जिम्मेदार हैं, लेकिन थाना पुलिस से लेकर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी अवैध ट्रॉलियों के संचालन को रोक नहीं पा रहे, अवैध वाहनों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे ट्रैक्टर ट्रालियों के अवैध संचालन पर रोक नहीं लग पा रहा और अवैध ट्रॉलियों से आए दिन हादसे होते हैं, जिसमें निर्दोष लोगों की मौत होती है। मामला है, बच्चे पश्चिम शरीरा मजरे से बच्चे आ रहे थे, विद्यालय जा रहे थे नगर पंचायत पश्चिम शरीरा पे, तो उसी रोड पर बड़ा ट्रैक्टर का वाहन आ रहा था, जिसमें बच्चे उसी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये चाहते हैं जिला प्रशासन से कि नगर पंचायत पश्चिम शरीरा में काफ़ी विद्यालय हैं और क्षेत्र के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो विद्यालय के टाइम पर सुबह पहर एक घंटे के लिए भारी वाहनों पर रोक लगा दी जाए, जिससे बच्चों को सुरक्षा मिलती है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? गढ़ी बाजार से लेकर के पुनवार और पूरब शरीरा चौराहे। आपका परिचय? मैं पवन कुमार मिश्र, पूर्व प्रधान पश्चिम शरीरा। मोहम्मद अबू सलमान नाम है और उनके पिता का नाम मोहम्मद इरफान है। कितनी उम्र थी? 8 साल। दूसरे वाले लड़के के? वो हमारी बड़ी बहन का लड़का है, हमारे भैया लगता है। हाँ। उसका नाम जो है नुमायद है। हाँ। मोहम्मद नुमायद। क्या उम्र थी उसका? 15-16 साल करीबन। इस गांव का मामला है जी? निम्बिया गांव का। निम्बिया है, निम्बिया का सीट है। कैसे हुआ था ये घटना? वो नुमायद भाई ने हमारा यहाँ भाई यहाँ काम करने आता है, वो काम करने आया था और हमारा भतीज जो है वो पढ़ने जा रहा था, तभी ऐसा हादसा हुआ। उसके साथ और कोई बच्ची थी क्या? हाँ, एक हमारी छोटी भतीजी थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम मिसबा है। उसका क्या? उसको ज्यादा चोट नहीं है, बस यहाँ पे चोट आई है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबू जैद। बच्चों क्या लगते हैं? चच्चा लग रहे हैं, एक का चच्चे लग रहे हैं, एक का मामा लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, UFT लाइव।